हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका अरहीनियस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, माने कि एसिड को आप किन किन वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कितने वेज है। फाइव वेज होते बेटा। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एन एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, मीन्स एच पॉजिटिव। डन। नाउ लेट अस सी, फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या होगा? फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मीन्स क्या होता है? ओरिजिन। मीन्स जहाँ से हम एसिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से हमें एसिड मिलता है, वो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हमारे पास टू टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एन एसिड। फर्स्ट होता है बेटा ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। डन। तो पहले हम डीपली स्टडी करना होगा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक मींस वो एसिड तो होगा पर कैसा होगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मींस होता है नेचुरल। नेचुरल से वर्ड आया नेचर, और नेचर में कौन बैठे हैं बेटा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचर में कौन बैठे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। मींस ये जो एसिड्स होंगे हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होंगे। डन। सो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल रेड एंट। जो रेड एंट होती है वो जब हमको स्टिंग करती है तो एसिडिक इन नेचर होती है। फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड, और अदर नेम मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। डन। फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है HCOOH। नेक्स्ट सपोज विनेगर। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इम्पॉर्टेंट नेम से बेटा लर्न करना इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH। क्लियर है? नेक्स्ट सपोज अगर मैं लेती हूँ टोमेटो, तो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। डन। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो COOH का होल ट्वाइस। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, कर्ड मिल्क के अंदर क्या होते हैं आपके? लैक्टिक एसिड। तो ये क्या था आपका? ऑर्गेनिक एसिड मींस हमें प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्टेन हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनिक एसिड। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, तो नॉट हार्मफुल टू अस। नॉट हार्मफुल टू अस, टच करने पे कोई इरिटेशन फील नहीं हो रहा है तो मतलब वो हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड को। इनऑर्गेनिक एसिड मींस क्या होगा? ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक नहीं है तो हमें कहाँ से ऑब्टेन होगा बेटा? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स से ये एसिड्स हमें ऑब्टेन होते हैं। हम खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड इन लैब्स। लैब्स के अंदर ह्यूमन द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, तो अदर नेम हो जाएगा आर्टिफिशियल एसिड्स। आर्टिफिशियल एसिड्स, मैन मेड एसिड्स, सिंथेटिक एसिड्स। डन। कुछ एग्जांपल्स सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को छोड़ के जितने भी एग्जांपल होंगे वो इनऑर्गेनिक के होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके? इनऑर्गेनिक एसिड मींस जो हमें रॉक्स एंड मिनरल्स ऑब्टेन हो रहे हैं, लैब्स में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, नेचर से नहीं मिल रहे, एंड ये कैसे हैं हमारे लिए? हार्मफुल। हार्मफुल टू
अस क्लियर। तो ये आपको लर्न करना है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो नेचर से ऑप्टेन हो जाए, इनऑर्गेनिक जो रॉक्स एंड मिनरल्स ऑप्टेन हो। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।